नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा, कोऑर्डिनेटर नोबल फाउंडेशन। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसने कि कुछ वर्ष पहले आर्थिक वर्ग से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया और आज पूरे पंजाब में नोबल फाउंडेशन द्वारा 36 शाखाएं माँ शारदा विद्यापीठ के नाम से चलाई जा रही हैं और ये सारी शाखाएं स्लम में चल रही हैं, जिसमें कि जरूरतमंद बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नोबल फाउंडेशन का लक्ष्य बच्चों को सिर्फ शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। इसलिए नोबल फाउंडेशन बच्चों का सही मार्गदर्शन करके उनको हर एक उस बात से जानू करवाती है जो कि देश के हित में होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चीन ने पहले ही कोरोना वायरस फैलाकर पूरे विश्व को परेशानी में डालकर रखा है और अब बीते दिन चीन ने गलवान घाटी पर धोखे से भारत पर हमला किया, जिसमें कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए। मगर अब हम भारतीय चुप नहीं बैठेंगे और हम भी देश के प्रति अपना फर्ज अदा करेंगे, जिसके लिए कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया था कि कोई भी भारतवासी कोई भी चीनी ऐप इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही चीन से बना हुआ सामान इस्तेमाल करेगा, जिसके लिए कि नोबल फाउंडेशन के बच्चों के सभी माता पिता और सभी अध्यापिकाओं ने पहले ही अपने फोन से सारे चाइनीज ऐप डिलीट कर दिए हैं। और अब नोबल फाउंडेशन ने भी यह प्रण लिया है कि नोबल फाउंडेशन के सभी बच्चे और अध्यापक भी जी न्यूज द्वारा चलाए गए मुहिम मेड इन इंडिया और बायकॉट चाइनीज का हिस्सा बनकर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नोबल फाउंडेशन के सब बच्चे और उनके माता पिता कुछ दिन पहले ही जी न्यूज पर उपलब्ध नंबर डायल कर चुके हैं और उस पर मिस्ड कॉल दे चुके हैं, इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। और आज मैं नोबल फाउंडेशन की 144 अध्यापिकाओं के साथ और इसके साथ ही नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी के साथ इस नंबर पर मिस कॉल देने जा रही हूं और ये नंबर है 7834998998 और इस नंबर पर डायल कर मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बन रही हूं और भारतीय होने का फर्ज अदा कर रही हूं। जय हिंद, जय भारत।